भाई शीशा लगा हुआ था सारा, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा तबाह बर्बाद कर दिया। आपका भाई दिखाता आपको ये जी सारा, ये जो चीज थी ईंट कहाँ गई, ये ईंट पड़ी हुई है। वैसे नहायत जाहलों हाँ घटिया हरकत थी। वैसे हमने कैमरे चेक किए हैं, कैमरे में आए हैं तीन लड़के। मैं कमरे में थी अपने, मतलब कि जब आवाज आई ना कि जब ईंट मारते तो काफी जोर से आवाज। अच्छा वैसे पूरा शीशा इसके पीछे, अगर शीशे में से ईंट वगैरह बाहर निकले तो इधर कोई बैठा था फिर। ये थे वो तीन लड़के जो फ्रेश फ्रेश निमो फुल टाइम गंदी हुई। आपका भाई मारेगा इसे सलफ और करते हैं। भाई जी बड़े बड़े यो, आपका भाई लेट हो गया है, रोजा बाहर ही खुलेगा, बल्कि मेरे ख्याल से अजान होने वाली है। फिलहाल हम फिर भी छोटा छोटा जाने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, मैंने की कहता हूं ना, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो जी आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अफसोस वाली बात है, नुकसान हो गया। क्या हुआ? अच्छा बाहर कोई आया। आज का नुकसान अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू, क्या है अभी शुरू कर रही है तू ता। अच्छा तो हमारा नुकसान हो गया था कल जी, आपका भाई जब घर से बाहर था तो पीछे से एक हो गया नुकसान उसके, वो बताएगी ये हुआ क्या। हमारा जो शीशा था वो टूट गया। क्या? अच्छा तो हुआ ये था कि एकदम से आवाज आई, हम सब लेट गए, मतलब कि अफ्तारी करके बहुत ढीले से। इतना लंबा ना किया कर यार, मैं आपका भाई दिखाता है, आपका भाई दिखाता है नीचे आके आपका। तो जी ये किया जी नुकसान जो भी था ये पूरा शीशा क्रैक हो गया, और इसके बाद जी अंदर से पड़ी हुई थी वहाँ पे, अब ये गत्ता रख के कवर किया सारा। तो इधर भी सारा शीशा था, ये भी सारा शीशा था, ये भी था, इधर अब पता नहीं क्या चीज़ें मारी है, समझ नहीं आई। तो अंदर भी ईंट है, इधर से भी ये है, दिखाता मैं आपको, आपका भाई दिखाता आपको ये जी सारा, ये जो चीज़ थी ईंट कहाँ गई, ये ईंट पड़ी हुई है। वैसे नहायत जाहलों हाँ घटिया हरकत थी। वैसे हमने कैमरे चेक किए हैं, कैमरे में आए हैं तीन लड़के, बाइक पे मुंह पे मास्क वगैरह लपेटा हुआ था। खैर सीन कुछ ऐसे हैं, मास्क भी उतर जाएंगे, बंदे भी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इससे अगर किसी के घर के शीशे तोड़ के जाओगे तो इंशाल्लाह फिर हिसाब देना पड़ेगा, क्यों जानो। बिल्कुल तू मतलब कि जब आवाज आई ना कि जब ईंट मारते तो काफी जोर से आवाज। अच्छा वैसे पूरा शीशा इसके पीछे, अगर शीशे में से ईंट वगैरह बाहर निकले तो इधर कोई बैठा था फिर तो बस फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था यार, ये तो बड़ा गलत है ना। देखो यहाँ भी वो सारे शीशे के वो है टेबल वगैरह, अभी तो फिलहाल काफी सफाई वगैरह ही है, लेकिन खैर बचत बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, हम नुकसान पूरा करेंगे। और उसके बाद फिलहाल एक बार, वैसे इतना कोई मसला नहीं है, पता ना चले, पता तो चल ही जाएगा फिर आपको पता, आपका भाई फिर इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस वाली बात है हरकत, पता नहीं अब किसने किया है किसने नहीं। फिलहाल मैं, हो सकता मैं ना CCTV वाली फुटेज लगाऊँ तो यार वैसे बहुत ना अफसोस वाली बात है जिसे कोई। खैर यार जो होना था हो गया, अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल आपका भाई बिल्कुल रिलैक्स है, इस मसले में कोई बात नहीं है। तो इफ्तारी हो गई है और मीठे में कुछ नहीं है। आपका भाई जाने लगा, थोड़ी देर बाद रेस्ट करेंगे ज़रा, इफ्तारी के फौरन बाद थोड़ी सी नींद आती है, उसके बाद हम अपनी नीमो को निकालेंगे वायर और उस पर जाएंगे ज़रा काम शाम इंशाल्लाह। आपका भाई खाएगा क्या है इसके अंदर, हाँ अब बोल दे क्या कहना है। लो जी ये मुझे कह रही है कि हमने 24 चैलेंज, वो 24 हो रही है। क्या आ, बोल आ, आ, हाँ आगे saying yes to, ठीक है। और वो अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे बहुत ज्यादा तो फिर हम जो है ना वो करेंगे। आपके भाई को पूरे 24 घंटे यस यस करना पड़ेगा जो ये कहेगी। तो फिल फ्रेश फ्रेश निमो फुल टाइम गंदी हुई, आपका भाई मारेगा इसे सलफ और करते हैं। भाई शीशा लगा हुआ था सारा, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा तबाह बर्बाद कर दिया। तो जी फिलहाल हम पहले हवाएं शाएं पूरी कराएंगे निमो की, उसके बाद जी अगला काम देखेंगे क्या करना है। फिलहाल ये वाला टायर बार बार नीचे आ जाता है, इसका भी टाइम निकाल के पंचर लगाना है।
तो आपका भाई ज़रा चक्कर मारेगा फिर जाएगा घर, फिर इंशाल्लाह देखेंगे रास्ते में जाते हुए ज़रा शफाक को भी देख लेंगे, अगर स्पेक्ट्रम वाले पिछले पेपर आए हुए तो हम पिछले पेपर चेंज करवा लेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी जाएंगे जी। फिलहाल मैकेनिक से हमने चेक करवा लिया, तो वो कोई फ्रंट मेन में से जो आवाज़ आ रही थी आवाज़ का कोई इतना इशू नहीं था, आवाज़ का इशू इतना था कि ओ खैर, आवाज़ का इशू ये था कि कैलिपर के पीछे कोई पतरी थी, वो वेस्ट पतरी थी, क्या था ये उतार दो फारे कराओ, तो खैर वो था, और अगले बैरिंग में थोड़ी सी प्ले थी लेफ्ट राइट साइड में। तो अब जी सुबह के टाइम हम आएंगे चेक करवाएंगे, और दूसरी बात इशफाक साहब पता नहीं हमारी फिल्में चलाई जा रहे हैं, आज पेपर ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो फिलहाल मुझे फिर इशफाक साहब समझ में नहीं आई, नेक्स्ट टाइम मैं अपना काम किसी और से करवाऊँगा। एक रास्ता रोक लिया गया तो इंशाल्लाह ज़रा मिल के आते जी। खैर आपका भैया आ गया घर वापस माशाल्लाह से, अब इंशाल्लाह कुछ दिन हमें अब घर जरा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन खैर मसले वाली कोई बात नहीं है। खैर वो हमने एफआईआर वगैरह करवा दी है, मुझे शायद लड़के अभी मेरी पहचान में नहीं है, सीसीटीवी भी निकलवाई है, उसमें भी तीन लड़कियां मास्क पहनना है, नंबर प्लेट लगी नहीं बाइक को। खैर वैसे वाहियात हरकत थी, तो इंशाल्लाह जैसे ही पता चलेंगे चलेगा बंदों का या लड़कों का, अब उनकी शरारत थी या जो भी मामला था, खैर वो फिर उसका फिर उसके रद्द अमल किया जाएगा। खैर वो छोड़ो बातें जो भी हैं, तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। आपका भाई घूम फिर के वापस आ गया, और जैनू ने एक चैलेंज का आपको बताया जो 24 मतलब जो पूरे 24 घंटे मुझे सिर्फ यस कहना है, वो मुझे बोला जो मर्जी के मैंने यस कहना, अब ये आपने बताना है व्लॉग में कि ये चैलेंज किया जाए या नहीं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो फिर आपका भाई जाएगा फर्स्ट, और 24 घंटे में भला वो आप मेरे से जो मर्जी करवाते रहे, जो मर्जी खर्चे करवाते फिर करवानी पड़ेगी। तो खैर आज का करते हैं व्लॉग ख़त्म, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीमो के कुछ काम पेंडिंग्स हैं तो इंशाल्लाह वो भी शुरू करते हैं। आपके भाई के पास ना टाइम बड़ा बहुत टफ होता है, क्योंकि सारा दिन दुकान पे भी देना होता है, उसके बाद फिर गाड़ियाँ भी, फिर एक भी दूसरी तीसरी, अब जो भी मामले सारे साथ साथ ही करने पड़ते हैं। खैर इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा, आप अपने भाई का साथ साथ रहें, देखते रहें, इंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।